अपना देश अपनी माटी। वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे। कविंदर सामने हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 26 अक्टूबर 1947 आज ही के दिन जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय हुआ था। आज के दिन मैं महाराजा गुलाब सिंह जी को भी जरूर याद करूंगी, क्योंकि महाराज सिंह जी ने 16 मार्च 1846 को जो है अंग्रेजों से हमारी जो रियासत को खरीदी थी। उसके बाद जैसे कि आप सब भली बातें जानते हो कि कितने जद्दोजहद से ये कि महाराजा हरि सिंह जो महाराजा गुलाब सिंह जी के ही वंशज थे, उन्हीं के सूझबूझ से आज हम जो अपने आप को पर एक भारतीय होने का गौरवान्वित महसूस करते हैं। ओ भाई बात मैं थोड़ा आप पीछे आइए यार। विजय दिवस की बधाई है, विजय दिवस की बधाई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत दिवस की छुट्टी विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, और स्वाभाविक बात है कि महाराजा हरि सिंह को जो इस प्रदेश में सम्मान मिलना चाहिए था, नेहरू और शेख अब्दुल्ला की साजिशों के कारण से वो संभव नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस मिशन को डॉक्टर ये महाराजा हरि सिंह जी ने किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसी हेतु को लेकर के एक विधान एक निशान एक प्रधान को लेकर के अपना बलिदान दिया, और इस सारे आंदोलन में हमारे जोड़ियां के हमारे ये हीरानगर के रामबन के बहुत से लोग शहीद हुए। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक जो भी कहा है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो 370 का मुद्दा हो, हमने सभी को करके दिखाया है। 13 जुलाई को जो लोग यहाँ पर हमलावर थे उनकी छुट्टी की जाती थी, आज उसको बंद किया है।
23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के लिए हमने छुट्टी की है और उसके बाद 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में, और ख़ास करके ये जो सभी मूर्तियां लगी हैं ये मेरे मेयर काल में लगी हैं, और जो पुल पर मूर्ति है महाराजा हरि सिंह पर और डॉक्टर निर्मल सिंह जी के कार्यकाल में एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगी थी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उनके बारे में विचार करती थी, चिंता करती थी, और ख़ास करके जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मेन रोल था, गुरु गोलवर्कर जी उनसे महाराजा से मिले थे 16 अक्टूबर को, उसके बाद ये सारा विलय का तय हुआ था। आज सभी इन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें इन बच्चों को जो शिक्षा दी जाए उसके सारा उसमें हरि सिंह जी का जिक्र होना चाहिए और सही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। कि संसद में ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि जम्मू कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, और स्वाभाविक बात है कि आज जिस प्रकार से वहाँ पाकिस्तान को गवर्नमेंट को 26 अक्टूबर को अल्टीमेटम दिया जाता है, जो उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हम भारत के साथ जाने को तैयार हैं, खुद ब खुद आसार बन रहे हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से ये जो POK है जम्मू कश्मीर में आएगा और अखंड जम्मू कश्मीर बनेगा। आज असिस्टेंट डे पे आप यहाँ पर आज महिला मोर्चा की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या कहें? जम्मू कश्मीर प्रदेश की ओर से आज यहाँ पर जहाँ हमारे महाराजा हरि सिंह जी बहादुर का जो स्टैचू है वहाँ पर हम सब बहनें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुई हैं। आज विलय दिवस है, सिर्फ जम्मू में नहीं कश्मीर में भी जगह जगह भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से इसी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के दिन को हम एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, जगह जगह जहां कोई इनका स्टैचू है, कोई रोटरी है, कहीं पे कोई पार्क है, हर जगह हम दीप जला के महाराजा जी ने जो इतना बड़ा बलिदान दिया है जम्मू कश्मीर के लिए उसको हम याद भी करते हैं। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से 22 अक्टूबर 1947 में यहाँ पर हमारी रियासत में कैसे वहाँ पर पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा और काबिलियों की तरह जो हमारे यहाँ पर उन्होंने जो हमला किया था, और हमारे उस समय नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यहाँ से ज्वार हमारे जो महाराजा जी थे उन्होंने नेहरू से कहा कि मुझे कुछ सैनिक जो हैं उनकी ज़रूरत है, मुझे सैनिक दो। तो वहाँ से जवाहरलाल नेहरू ने एक ही बात कही थी, एक उनके साथ शर्त रखी थी कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर जो है उसको आप छोड़ देंगे तभी हम सैनिक देंगे। तो महाराजा जी ने इतना बड़ा निर्णय, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया कि आज के दिन ही उन्होंने दिल्ली में जाकर जो विलय पत्र था उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, और उस दिन से ही जम्मू कश्मीर जो था वो पूर्ण रूप से भारत का एक अंग हुआ। फिर भी उस समय जवाहरलाल नेहरू और यहाँ से शेख अब्दुल्ला का मन नहीं भरा, और उन्होंने किस तरह से उस समय नेहरू की कैबिनेट में जाके उन्होंने धारा 370 लागू करवा दी, लेकिन उस समय हमारे स्वर्गीय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने उस समय जब धारा 370 का वो पास कर रहे थे आगे उन्होंने हल्का सा लिख दिया था इसको कि टेम्परेरी, यानी ये कुछ देर के लिए होगा। उसके बाद 60 साल तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही परंतु किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों को यूँ ही गुमराह करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी तो उस समय जम्मू में जो धारा 370 हम लोगों के बीच में इतनी बड़ी दीवार थी तभी हम लोग उसको गिरा पाएंगे। और हम सब देखते हैं 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो 2019 में 5 अगस्त को किस तरह से हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कैसे इस दीवार को हमारे बीच में से जो थी वो गिरा दिया। कहीं ना कहीं हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि हमारे महाराजा जी को यही होगी, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, किस तरह से वो हम लोगों के लिए इतना कुछ करना चाहते थे, तो हम लोगों को उनका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी ओर से मुझे लगता है यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।